नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच चल रहे मुकाबले में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आज 6 विकेट्स के नुकसान पर 154 रन बनाए हैं। आज राजस्थान की तरफ से सभी गेंदबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे, मगर वहीं अब बल्लेबाजी में ये टीम शुरुआत से ही लड़खड़ाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त राजस्थान के दोनों सलामी बल्लेबाज ने एक के बाद एक अपनी विकेट गंवाई है। लियाम लिविंगस्टोन जो एक रन ही बना सके और पहले ही ओवर में आवेश खान का शिकार हो गए। वहीं दूसरी ओर युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई थी, मगर आज एक बार फिर से खराब बल्लेबाजी करते हुए अपनी विकेट गंवा बैठे हैं। राजस्थान रॉयल्स ने आज सलामी जोड़ी में बदलाव करते हुए लिविंगस्टोन और जायसवाल को बल्लेबाजी में उतारा था, मगर आज इस सलामी जोड़ी ने निराश करके दिखाया है। अब बात यहां पर यह आ जाती है कि पिछले मैच में इविन लुइस ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई थी, तो उन्हें बाहर क्यों रखा गया है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है कि वो चोटिल हैं या फिर आज के मुकाबले के लिए अनुपलब्ध थे, क्योंकि अगर आज वो इस मुकाबले में खेलते तो शायद राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी की तस्वीर कुछ और होती। अब राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी पूरी तरह से मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर आ गई है। अब देखना होगा कि वो कैसे अपनी टीम को इस लक्ष्य तक पहुंचा पाते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।